बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करेंगे। मुझे टोटल 37 इंचेस तैयार करनी है। ये मेरे पास कपड़ा तकरीबन 1.25 मीटर है, मैं इसकी फुल लंबाई रख लूंगी। 4 पीस मैंने इसको 4 पीस में मैंने फोल्ड कर लिया है। कपड़े की चौड़ाई 3 इंचेस है, जो कि टोटल 46 होगी। मुझे इसको 19 इंचेस लेना है, 38 इंचेस तैयार करना है। 38 इंचेस पे मैं निशान लगा लूंगी। टोटल आसन मुझे 15 रखने हैं, तो मैं 17 की कटिंग करूंगी। 2 इंच मैंने ऊपर और नीचे से अंदर करने के लिए रखना है। ऊपर बेल्ट भी होगा, इसलिए मैं इसकी टोटल तकरीबन 10 इंच रखूंगी, 10 या 11 11 रखनी है मैंने। आसन का मार्क है। पंचा मैंने टोटल 7 इंचेस रखने हैं, मैं 8 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। यहां से इसको इस मार्क के साथ मिला लेंगे। कटिंग है वो यहाँ पर फोल्डिंग वाले हिस्से से कर रही हूँ। ये जो कपड़ा बचेगा इसकी ही मैं ऊपर बेल्ट रखूंगी। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। मैंने मार्क से थोड़ा इधर ही कटिंग की है, क्योंकि मुझे थोड़ी खुली लग रही है। यहाँ नीचे से कट कर लेंगे। जो टोटल बेल्ट की लेंथ होती है वो 5, 5.5 या 6 होती है, इससे ज्यादा नहीं रखते। अब मुझे कपड़े के अकॉर्डिंग रखनी है, तो नीचे वाला हिस्सा मुझे 33 रखना था, लेकिन मेरा ये 32 बन रहा है, यानी कि मैं 1 इंच पर बेल्ट में एक्स्ट्रा रख लूंगी। और ये मैंने 32 रखा है, तो मुझे 37 रखनी है। अब बाकी जो मेरा रहता है उसको मैं 5-6 को अंदर फोल्ड करने के लिए मैं अलग से कपड़ा लगा लूंगी अंदर की तरफ, और बाकी जो है वो मैं बेल्ट में निकाल लूंगी कपड़ा। ऊपर से मैंने सिलाई का हक जो है वो दबाव जो है वो छोड़ दिया है, इधर नीचे से भी छोड़ के तकरीबन 31.5 और 37 तकरीबन मैं अब 6.5 रखूंगी बेल्ट की लेंथ। हालांकि वैसे जो होती है वो 5 या 5.5 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मैं कपड़े की वजह से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.25 गज का पीस था, जिसकी वजह से मैं अब मेरे पास ये जो मैंने इकट्ठा बचा लिया था कटिंग के दौरान,
तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इसकी कटिंग करेंगे बेल्ट की, यहाँ से इसमें से। बेल्ट टोटल जो होता है वो हमारे हिप के अकॉर्डिंग होता है, जितने हमारे शर्ट के हिप्स होते हैं। मुझे 22 रखना है। तो मैं 22 रख के, और वो 21 तैयार हो जाएगी। ऊपर से मैंने इसको 7 रख लिया, क्योंकि मुझे सिलाई के लिए भी रखना है। वैसे 6.5 हमने रेडी करनी है, और नीचे से सिलाई का 1/2 इंच रख के 2 इंच मैंने ऊपर से सिलाई का रख के मैंने इसको 9.5 इंच पे कट कर दिया। फिर से बता रही हूँ कि टोटल जो बेल्ट होती है वो 5.5 इंचेस होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। जो लंबाई होती है बेल्ट की, चौड़ाई तो आप अपने हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं। हमारी बेल्ट भी रेडी हो गया, और हमारी शलवार की कटिंग भी हो गई है। अब मैं जो एक्स्ट्रा अंदर करने के लिए पांचे पे लगाना है उसकी कटिंग करूंगी। पांचे में अंदर की तरफ लगाने के लिए मैंने ये तकरीबन 2.5 इंच की पट्टी ली है। इसको हम आधा आधा इंच सिलाई के अंदर कर देंगे, और बाकी हम पांचे में फोल्ड कर देंगे। ये थी हमारी बेल्ट की शलवार की कटिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।